शिकायत आई थी जी, यह शिकायत साहब शेख वासी कलेरी ने की थी। उसमें उन्होंने ये अलर्ज करा था कि जी मेरी लड़की पिछले लगभग 4-5 दिन से मिसिंग है और उनको किसी के ऊपर शक था, प्रिंस वासी शहर देवा का, उसके ऊपर उन्होंने अपना शक जाहिर करा था। उसके बाद मुकदमा हमने 346 मिसिंग पर्सन का हमने दर्ज करा था, जिसका मुकदमा नंबर 202 है। दौरान तफ्तीश लड़की की मदर को भी जब शामिल जांच करा गया तो उन्होंने भी प्रिंस के ऊपर अपना शक जाहिर करा। उसके बाद प्रिंस को हमने पूछताछ के लिए बुलाया तो प्रिंस ने ड्यूरिंग पूछताछ के लिए माना कि उसने दिनांक 17/7/2023 को वह लड़की को मिला था और लगभग शाम को उनकी किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। उसके बाद उसने इस लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी थी। ये हत्या उसने 152 नेशनल हाईवे के करीब करी थी, 152 पे ही करी थी। और जिसके बाद इसमें मुकदमा में हमने मदर के बयानों पे इसमें 302 धारा इजाद करी हुई है। उसकी मृत्यु हुई है जिसके बारे में बताया गया है, उसकी बड़ी बहन के साथ इस युवक का प्रेम प्रसंग की बात है। सर, क्या इस हत्या में एक ही व्यक्ति आरोपी है क्या, और इसके अलावा और भी है? अभी तक की जांच में एक व्यक्ति का नाम सामने आया है, बाकी हम अभी रिमांड पर लेंगे। अगर फर्दर किसी का और भी इन्वॉल्वमेंट मिलेगी तो उसके अनुसार काम किया बताया कि वो उनका आपस में कोई पहले किसी, ये जो लड़की थी ये पहले इसी लड़के के घर पे रेंट पे रहती थी और कुछ महीनों पहले उसने अपना घर छोड़ के कुछ रेंट को लेके कुछ इशू था और ये छोड़ के चली गई थी। लड़का अभी पोर्टुगल से ही 15/7/2023 को वापस आया था और 17/7 को उसने मर्डर करा है। तो जब ये पहले इसकी बड़ी बहन को एक गाँव तलेडी छोड़ के वापस आई है, तलेडी से जब ये इस लड़की को वापस इसकी मदर के पास या शहर छोड़ने आ रहा था तो रस्ते में इसका विवाद हो गया लड़की से किसी बात पे, इनकी काफ़ी देर बहसा बहसाई हुई और फिर उसने लड़की की गला घोट कर दी। तो अब सीन ऑफ क्राइम टीम की मदद से भी लेके जितने भौतिक साक्ष्य हैं वो सारे इकट्ठे करे जाएंगे और बॉडी उसका जो अभी तक बात सामने आ रही है उसका ये कहना है कि मैंने वेस्टर्न यमुना कैनाल में यमुनानगर में जलाने के बाद पूर्ण रूप से बॉडी जली हुई थी तो उसको फिर उसने नहर में डाल दिया था। उसकी भी हम थ्रू गुप्ताखोर सर्च कराएंगे कि अगर बॉडी रिकवर हो सकती है। प्लस हमने आसपास के जितने वेस्टर्न यमुना कैनाल से लगते जिले हैं उनमें भी हमने मैसेज करवा दिया कि पिछले एक सप्ताह में कोई भी अनक्लेम डेड बॉडी मिली हो तो उसके बारे में।